पूरे भारत में 1 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं, मतलब कि जिस उम्र में उनको पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में वो अपना बचपन छोड़ के मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें अपना बचपन छोड़ के ऐसा काम करना पड़ता है जो उनके लिए बना भी नहीं होता है। हम अपने आसपास रोज देखते हैं बाल मजदूरी, जैसे कोई बच्चा बलून बेचने आता है, चॉकलेट बेचने आता है। खरीदना या ना खरीदना वो तो आपके आप पे डिपेंड करता है, पर अब आपने कभी सोचा है कि जिस उम्र में उसको पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो बलून क्यों बेचने आ रहा है आपके पास? रीजन क्या है इसका? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, पैसों की कमी रही हो, या जबरदस्ती काम करना पड़ा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन में और मैं हूँ आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे भारत में 1 करोड़ बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं और उनकी उम्र है 5 से 14 साल। ज्यादातर बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन साइट्स, टी स्टॉल, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री वगैरह में मिलेंगे, जो हमें रोजाना देखने को मिल ही जाता है। अपने आसपास कभी कोई बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा, कभी रोड पे बलून बेच रहा, कभी चाय की नुक्कड़ पे चाय लेके आपके पास तो आता ही होगा, तो कभी रेलवे स्टेशन पे कुछ बेचता दिख ही जाएगा। पहले बाल मजदूरी के लिए सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया था तो लोग करवाते थे बाल मजदूरी, पर अब ये इलीगल हो चुका है। बाल मजदूरी करवाने वाले इंसान को 50,000 तक का जुर्माना देना होता है। 3 एक्ट भी आता है बाल मजदूरी के लिए, पहला चाइल्ड लेबर एक्ट, दूसरा बॉन्डेड लेबर एक्ट और तीसरा IPC 370। बॉन्डेड लेबर एक्ट के अंदर बहुत से स्कीम्स होते हैं, ये उन बच्चों के लिए होता है जो बाल मजदूरी कर चुके होते हैं और उन्हें इससे मुक्त कर दिया जाता है। बच्चों को रिलीज सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके साथ साथ 11 लाख का कंपनसेशन भी मिलता है, और जब वो बच्चा अपने घर चला जाता है तो उसे बहुत सारे स्कीम्स का फायदा भी मिलता है और बच्चों का दाखिला भी करवाया जाता है स्कूल में। सरकार ने NCLP जैसे सेंटर भी खोले बच्चों के लिए जो बाल मजदूरी से छूटते हैं उनके लिए। अब बात करते हैं बिहार की। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में 5 से 18 साल के बच्चे 1971 में 10 लाख बच्चे थे जो बाल मजदूरी करते थे, 1981 में 11 लाख बच्चे, इसके बाद इसका आंकड़ा कम हुआ, 1991 में 9 लाख और फिर बढ़ गया 2001 में 11 लाख और फिर घट के 2011 में 10 लाख। बिहार में 25 जिले में बाल मजदूरी में कमी आई है और 13 जिले में ये बाल मजदूरी बढ़ चुका है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 2,70,00,000 बच्चे हैं जो काम नहीं करते और स्कूल जाते हैं और 10 लाख ऐसे बच्चे जो काम करते हैं। इस 10 लाख में दो तरीके के बच्चे आते हैं, एक मार्जिनल वर्कर और दूसरा मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर वो होते हैं जो 6 महीने से काम कर रहे होते हैं और स्कूल भी जाते हैं, जिनकी संख्या है 6 लाख, और मेन वर्कर वो होते हैं जो पूरी तरीके से काम करते हैं, मतलब मेन बाल मजदूरी जो केवल काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, इनकी संख्या है 4 लाख। बिहार में गया में सबसे ज्यादा बाल मजदूरी होता है, एक तरीके से ये क्षेत्र बन चुका है बाल मजदूरी का। गया में राजस्थान से, तमिलनाडु से, तेलंगाना जैसी जगह से बच्चे आते हैं, सप्लाई होते हैं बाल मजदूरी के लिए। ये तो 2011 का सेंसस था, ये तो 2011 का सेंसस था, ना जाने अभी तक ये कितना बढ़ चुका होगा। बाल मजदूरी के बहुत से कारण हैं। पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए अपने बच्चे से ही बाल मजदूरी करवाते हैं लोग, या बच्चों को किडनैप करके उससे बाल मजदूरी करवाया जाता है, और तो और ऑर्फनेज में से भी बच्चों को निकाल के बाल मजदूरी के लिए भेजा जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो जॉब कैसे करेगा, अनएम्प्लॉयड कैसे बनेगा? उनका भी हक है कि वो पढ़े लिखे, अपना बचपन जिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए ट्रॉल फ्री नंबर भी है 9471229133। इस नंबर पे आप बाल मजदूरी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अपने आसपास ऐसा कुछ देखे तो इस नंबर पे फोन लगा के बताइए। और इसी के साथ देखते रहिए जनता जंक्शन, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे फॉलो करें। धन्यवाद।